हाय दोस्तों, मैं दबंग सिंह फिर हाजिर हूँ बिग बॉस का रिव्यू लेके। दोस्तों, कल जो बिग बॉस स्टार्ट हुआ वो हुआ मॉर्निंग सॉन्ग से लेके। अब मॉर्निंग सॉन्ग हुआ है तो किचन के अंदर चाय वगैरह बनाई जा रही थी, यहाँ पे पारस और आसिम के बीच में बहसबाजी हो गई राशनिंग को लेके। भाई, राशन में तुम दूध छुपा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। यहाँ पर सिद्धार्थ शुक्ला भी खड़ा था, पर सिद्धार्थ शुक्ला ने बहुत स्मार्टली से कहते ना कि इन दोनों की बहसबाजी हो रही है, लड़ाई हो रही है, वो कैप्टन होने के बावजूद वहाँ चुपचाप साइड से जहाँ से निकल गया। अब बिग बॉस कहते हैं, बिग बॉस ने सबको एकत्रित कर लिया और नया टास्क दे दिया, भारत पे लग्जरी टास्क। इसके अंदर था कि जो लग्जरी टास्क के लिए दो टीमें बना दी गई, टीम ए टीम बी, एक का टीम आसिम बना दी गई, एक टीम पारस बना दी गई। अब इस गेम में क्या था कि गार्डनियर के बाहर एक रोलर था, रोलर के अंदर से कुछ अल्फ़ाबेट्स निकलने थे, अल्फ़ाबेट से टीमों ने अपना अल्फ़ाबेट्स लेने थे वहाँ से और अपने बोर्ड पर अल्फ़ाबेट के लगाने था और पूरा लिखना था लग्जरी बजट। जिसका सबसे पहले लग्जरी बजट लिख दिया जाएगा वो लग्जरी बजट जीत जाएगा और लग्जरी बजट में जो चीज़ें मिलेंगी वो वही टीम यूज़ करेगी जो टीम जीतेगी। तो यहाँ पे टास्क था ये जब स्टार्ट हुआ और इसमें ये भी था भी तुम अपना जो लग्जरी बजट लिख रहे हो उसको बचाना भी तुम्हारा अपना ही बचाना है तुम्हें टीम के अंदर। फिर जब ये स्टार्ट हुआ तो आपको पता है जब गेम स्टार्ट होती है तो धक्का मुक्की होती है, थोड़ा चलता ही है। तो जो पहली बार लेटर बैट्स आए वो डब्ल्यू आया, करते करते दोनों टीमों में लड़ाई हो गई और वो तोड़ दिए गए। पहले सिद्धार्थ शुक्ला, उसने तोड़ दिया आसिम ने, फिर सिद्धार्थ शुक्ला ने तोड़ दिया। फिर दूसरे लेटर आए, फिर वो दागड़ हो रही है वहाँ पर, जबकि लाइन्स बना रखी थी कि इस लाइन से आगे पिक नहीं करना, बट रूल्स एंड रेगुलेशन कौन फॉलो करता है बिग बॉस के अंदर। हर एक ने रूल तोड़े, यहाँ पे धक्कन धुक्की भी चली, फिर यहाँ पे चारों की घमासान हो गई, आसिम की, पारस की, सिद्धार्थ शुक्ला की और विशाल की। ये लेटर जो उठा लिए थे एक के ऊपर एक कूद रहे थे, एक के ऊपर एक कूद रहे थे, मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई ये गेम नहीं खेल रहे, ये एक पहलवानी, ये कुश्ती की गेम चल रही है यहाँ पे। और यहाँ पे बीच में जैसे कहते हैं ना कि टास्क में हर एक चीज़ जायज़ है, तो यहाँ पे जो शेफाली थी वो आसिम ने उसको बोला भी तो उसको टिकलिंग कर पारस को कि लेटर छीन सके, तो यहाँ पे शेफाली थोड़ी दो कदम और आगे बढ़ गई, उसने उसे चूड़ियाँ मारनी शुरू कर दी। पारस यहाँ भड़क गया बहुत, भाई तू चूड़ियाँ मार रही है मेरे को, ये है वो है, तू गर्ल प्ले गेम खेल रही है, ये वो। तो यहाँ पे आसिम ने भी बोला शेफाली को कि भाई तुम्हें चूड़ियाँ क्यों मार रही है। तो यहाँ पे आसिम और शेफाली की भी बहस हो गई काफ़ी बारी कि भाई चूड़ियाँ नहीं मारने के लिए बोला था, मैंने टिकलिंग करने का बोला था, तो वो बोली नहीं तुमने ही मुझे बोला था। तो जब पारस ने बोला जब भाई संचालक ही ऐसे कर रहा है तो भाई वो तो गेम गंदगी खेलेंगे। तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बहस हो गई शेफाली और आसिम के बीच में और ये बहस काफ़ी बड़ी। अब जब ये टास्क चल रहा था तो भाऊ भी बीच में कूद गया, भाऊ शहनाज को टिकलिंग कर रहा था, पर शहनाज ने एक बार बीच में बोल दिया भाऊ मुझे हाथ मत लगाओ, मुझे हाथ मत लगाओ। तो यहाँ पे एकदम बीच में उतर गई अपना मायरा, मायरा ने कहा अगर तू सीधा बोलना भाऊ को, अगर तू एक गलत तरीके से हाथ लगा रहा है तो ये क्या। इसको भाऊ ने गलत समझ लिया, भाई मैं किसी गलत तरीके से हाथ लगा रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ, जबकि जो शहनाज ने ऐसा कोई नहीं बोला था कि तू गलत तरीके से हाथ लगा रहा है। तो ये चीज़ को बाद में जब टास्क थोड़ा क्लियर हुआ तो ये साइड में बैठे हुए जो अपना रश्मि है, शेफाली है और ये और आरती, इनको भगा रहे थे बहू को, भड़का रहे थे कि भाई उसने तुमको ये बोला, तुम्हें समझ नहीं आई कि तुमने गलत तरीके से हाथ लगा रहे हो, ये है वो है। तो भाऊ भी कहा नहीं, उसने ये नहीं कहा, उसने कहा भी तुम मुझे हाथ मत लगाओ, भाऊ उनकी बहकावे में नहीं आ रहा था। इतने में सिद्धार्थ शुक्ला पहुँच गया, सिद्धार्थ शुक्ला ने पहुँचा आरती को बोला भी और रश्मि को भी बोला भी तुम इस चीज़ को क्यों भड़का रहे हो, जबकि ये बात क्लियर हो गई है, मैंने भी क्लियर कर दिया है कि भाऊ को इस अटेंशन से नहीं बोला गया था कि तुम गलत तरीके से हाथ लगा रहे हो, उसने सिर्फ इतना बोला कि भाऊ मुझे हाथ मत लगाओ। फिर इस बात को यहाँ पे क्लियर किया गया और इसको यहाँ पे शांत कर दिया गया। अब इस टास्क में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, बहुत ज़्यादा बहसबाजी हो चुकी थी, पता है बिग बॉस को कि भैया ये फिर टास्क को कैंसिल कर देंगे। बिग बॉस ने कहा ठीक है भैया यहीं पर इसको ख़त्म करो, अब यदि ख़त्म होती है अब मुझे सिर्फ इतना बता दो भाई तुम्हारा लेटर लिखा हुआ या ना हुआ, भी अल्फ़ाबेट सबसे ज़्यादा किसके पास है। तो अल्फ़ाबेट सबसे ज़्यादा पारस टीम के पास है, तो पारस टीम ने लग्जरी का रिजल्ट जीत लिया। अब इसके बाद आसिम बर्तन साफ़ कर रहा था, आसिम ने सिद्धार्थ शुक्ला को बोल दिया भाई मुझे बर्तन साफ़ करने के लिए बार चाहिए। तो यहाँ से पारस ने बोल दिया भाई यहाँ पे एक लिक्विड पड़ा हुआ है तो बार की क्या ज़रूरत है। बस इतनी सी बात थी, कुछ बड़ी बात भी नहीं थी। करते करते आसिम और पारस की वो बहस करते करते तेरा औकात क्या है, तू कितना था, मैं ये हूँ, मेरा घर है, तू पीजी में रहता है, तू यहाँ रहता है, अननेसेसरी से कैसे लड़ाई कहते हैं ना। जो लड़ाई पहले सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम की देखने को मिल रही थी, जैसे आसिम कूद कूद के बोल रहा था, सिद्धार्थ शुक्ला लड़ रहा था, वही सेम की सेम लड़ाई कल मेरे को अपना पारस और आसिम की देखने को मिली। आसिम करते करते प्रकोप कर ही जा रहा था, वही आगे बढ़ के बोली जा रहा था, तू ये बोल तू वो बोल, वहाँ से पारस भी नहीं रुक रहा था बीच में। अब ये दोनों लड़ रहे हैं तो शेफाली भी बीच में आ रही है, कूद रही है बीच में, वहाँ से अपना मायरा कूद रही है, अभी तुम पीछे हट जाओ पीछे हट जाओ। पर ये लड़ाई इतनी बड़ी और एंड तक लड़ाई बढ़ती रही। एंड में पारस को एक बारी आसिम ने ये बोल दिया अभी अब तू जब तक यहाँ तक घर पे है, जब तक मैं इस घर पे हूँ ये तू डेली देखेगा मेरे साथ।
यहाँ पे सिद्धार्थ शुक्ला मेरी जो मायरा थी बीच में कूद कूद के बोल रही थी पारस को, तो मेरी बात सुन तो पारस ने मायरा को भी झाड़ दिया, भाई तू अपना काम कर, जिससे मैंने बात करी है बात कर सकता हूँ। यहाँ पर सिद्धार्थ शुक्ला ने बोला भाई मायरा को तू आज इससे बात मत कर, ये कुछ सुनने को तैयार नहीं है, कल राम से बैठ के बात करना। और एंड में दिखाया गया कि एक साइड आपको पता ही है आसिम और हिमांशी की आजकल जोड़ी बनी हुई है, हिमांशी आसिम को समझाती हुई दिखी, यहाँ पे दूसरी साइड मायरा पारस को समझाती हुई मिली, भाई छोड़ तू जो बोलता है वो गंदा है, वो उसको आसिम गंदा बोल रहा है, वो पारस को गंदी बोल रही थी, तो दोनों को समझाती हुई एक दूसरे को मिले वहाँ पे। ये तो दोस्तों कल के एपिसोड के बारे में, अब आज एपिसोड जो आएगा उसके बारे में। दोस्तों आज रश्मि और सिद्धार्थ शुक्ला ये बहुत क्यूट जिसे कहते हैं ना वो बॉन्डिंग देखने को मिलेगी, बड़े प्यार से सिद्धार्थ शुक्ला बात कर रहा होगा रश्मि की आंखों में आंखें डाल के, बड़े प्यार से जैसे कहते हैं एक लव सीन वो देखने को मिलेगा आपको। दूसरी साइड आज जेल की प्रक्रिया भी करी जाएगी, जेल की प्रक्रिया में सारे के सारे बारी बारी जो नाम ले लेंगे वो पारस का ले रहे होंगे, तो पारस आज डेट जा सकता है और पारस को सजा भी मिल सकती है। और दूसरी साइड भाऊ घर के सामान की चोरियां करते, जो लग्जरी बजड़ के चोरी करते थे, वहाँ पर सिद्धार्थ शुक्ला भाऊ को झाड़ेगा भी और बोलेगा भी भाई तुम गलत कर रहे हो, जो भी कर रहे हो मैंने देख लिया तुम एक चीज़ गलत कर रहे हो। वहाँ पर अचानक आरती भी जो कूद पड़ेगी सिद्धार्थ शुक्ला को, भाई तू कैप्टन है तू भाऊ को सजा दे, ये दे वो दे, सिद्धार्थ शुक्ला आरती से भड़क पड़ेगा, भाई तुझे इससे कह देना मुझे जो सजा देनी है इसका डिसीजन मैं लूँगा, तू कौन होती मुझे बोलने वाला। यहाँ पे आरती भी बोलती हुई दिखेगी, भाई ठीक है आज क्या अब क्या मैं सिद्धार्थ शुक्ला के कहने से चलूँगी, जो सिद्धार्थ शुक्ला करेगा वही मैं करूँगी क्या। तो ये थोड़ी सी इनकी लड़ाई बीच में आरती और सिद्धार्थ शुक्ला की देखने को मिलेगी आज। ओके दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, देखते रहिए मायावरी कट। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम इसी समय बिग बॉस रिव्यू लेके, तब तक के लिए सत श्री अकाल, कॉपी टू ऑल।